पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में यह स्पष्ट कर रखा है। वो कबीर नाम का परमात्मा वो समर्थ शक्ति है और वो ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम के तीसरे स्थान पर रहता है, मुक्ति धाम में रहता तीसरे लोक में, वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उनको मिलता है। ऐसी है किसी और भगवान की कोई लीला दिखा दो किसी के इतिहास समाज तक, श्री कृष्ण जी के में, श्री विष्णु जी के में, या और ब्रह्मा जी के में, या श्री रामचंद्र जी के में हो, ऐसी की लीला हो जिनको हम भगवान मान रहे थे। रुद्र से हम सभी ये मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो सत्य है, तो वेदों में क्या लिखा यही तो हमारे तक नहीं पहुँच पाया। और परमात्मा ने जो वेदों में लिखा था, पुराणों में लिखा था, गीता जी में लिखा था, वो जो का तू अपने सिंपल लैंग्वेज में लिपिबद्ध करवाएगी, वो अपनी अमरवाणी में, कबीर वाणी में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो ब्रह्मण मुखे, जो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से जो वाणी बोली है, उसमें इन आध्यात्मिक यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार के साथ विवरण है, और उसको जानकर तू सभी कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को ना गीता ज्ञानदाता जानता, ना वेद ज्ञानदाता, ये ब्रह्म ही है, ना ये कहता है कि नहीं उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आता, वो तत्व ज्ञान बताता है। अब ये प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9-10 इकट्ठा इन्होंने चलित किया है अनुवाद करके, ये कहाँ से छपा है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दवान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। कहाँ से छपा, वो ऊपर से प्रकाशक है, ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 इसके मंत्र नंबर ये 26 में, इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, करने वाले यजमान माने भगत, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ यानी उनके संकटों का नाश कर देता हुआ परमात्मा, और उनको पवित्र करता है यानी पाप रहित करता, उनके पाप नाश कर देता है, और निर्निजम अपने रूप को, ये कई जगह लिखा है इन्होंने और भी श्लोकों में है, निर्निजम इसका अर्थ रूप होता है, कहीं पर और सैकड़ों जगह ये शब्द है, वहाँ कई जगह इन्होंने रूप ना लिख के अड़ंगा लिख दिया, तो यहाँ मालिक की दया होगी, सद्बुद्धि की उकराई इनको, ये सच्चाई लिख गए, अपने रूप को यानी साकार हुआ, सरल करता हुआ, जैसे आज आपने दिन में गरीबदास जी की वाणी में सुना था कि तेज पुंज अन्य दे धर के ईश्वर हमको भेंट ही, हल्का तेज पुंज का शरीर करके आता हो परमात्मा, वह कांति में परमात्मा, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये देखो यहाँ है कबीर, कबीर अत्यो, इसने अत्य तो अलग ले लिया, अत्यो तो यूं कर दिया और इसको अलग कर दिया, कबीर बना दिया इस अक्षर का कबीर, हम इसको कबीर बोलन लागे, कबीर हम कबीर कहते हैं वह को, तो कबीर देव कहन लागे हम इसको, इन्होंने इसका अर्थ कर दिया इस प्रकार लिख कर, कबीर यो कबीर है, कबीर भी बोले जैसे पुनर कहो चाहे पुनः कहो, कवि कहो चाहे कबीर कहो, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब आपको दिखाते हैं इन्हीं के द्वारा यथार्थ अनुवाद कैसे करना चाहिए था। पुण्यात्माओं
ये वेदों को समझ नहीं सके, जहाँ इनके समझ में नहीं आया वहाँ इन्होंने अड़ंगा कर दिया, अनर्थ कर दिए। अब जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद की महिमा कहीं पर गाई जा रही हो, लिख रखी हो कहीं पर, तो और उसमें यजु शब्द हो और यजु का अर्थ कर दिया जाए कि भक्ति योग्य साधनाएं, और ये लिखे नहीं कि ये यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा, तो उस यजुर्वेद को कैसे खोजोंगे जिसके बारे में सारी महिमा अकबर रखी है। इसी प्रकार ये वेद कबीर देव कबीर साहब की महिमा से परिपूर्ण है। परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलों वेदन से नाहीं, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नाहीं। वेद, ये चारों वेद मेरा भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों से मैं नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि इनमें वे ऑफ वर्शिप नहीं है जिससे मैं मिलूं। और जिस वेद में सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में यानी स्वयं परमात्मा ने आकर सुख संवेद दिया, उसमें परमेश्वर के पाने के वो मंत्र हैं जो दास आपको अब दे रहा है। कहते वो चारों वेद जानते ना, जौन वेद से मैं मिलूँ यानी जिस वेद से जिस ज्ञान से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते ना, उसमें वो है ही नहीं। तो अब यहाँ देखिएगा यजुर्वेद ही नहीं का अनुवाद, ये यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये महर्षि दानंद सरस्वती के द्वारा इसकी अनुवाद किया है। अनुवादक है, लेखक नहीं है इसका, वेदों का केवल अनुवादक है, जैसे गीता जी के निर अनुवादक है, और लेखक व्यास जी हैं, वेदों का भी लेखक व्यास जी हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसमें इनके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद इन वेदों का वर्णन है, ये देखिएगा 6300 अध्याय 36वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु, यजुर कहो चाहे यजु कहो, परपदे अपने आत्मा। इसका अनुवाद यहाँ किया इसने, यहाँ पर ये यजु शब्द है मूल पाठ में, यजु यजुर कहो चाहे से यजु कहो, तो अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये महिमा यहाँ यजुर्वेद के विषय में चल रही है तो यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये सिंपल इतना लिखा है मूल पाठ में, और फिर उसका अनुवाद करते समय अनुवादक सही अपनी निष्पक्ष अनुवाद करेगा तो ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, ये लिख दिया इसने बिल्कुल। हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, और यहाँ इस का यजुर्वेद ना लिख के यहाँ लिख देते यज्ञ सतुतियाँ, यजुर्वेद ने किधर खोजा आदमी कि वो कहाँ किस जो ये गुण लिखे हैं उस कहाँ किस में है, यजुर्वेद सतुतियाँ ये करने योग्य साधनाएं, तो ये यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, ये ठीक किया यहाँ पर। इसी प्रकार जहाँ कबीर लिखा है वो कबीर देव लिखना पड़ेगा क्योंकि वो कबीर साहब के बारे में जानकारी है, परमेश्वर के बारे में जानकारी है, उसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कोई है कभी आज तक हुआ है? पुणात्मा यदि कहीं पर कवि की महिमा चल रही हो और वहाँ कवि का अर्थ कवि ही लिख दे, सर्वज्ञ नहीं लिख सकते उसका, वो कवि ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ महिमा चल रही परमात्मा की, कबीर देव चाहिए था, ये देखिएगा अब पढ़िए इस पूरे ऋग्वेद के कुछ चुने हुए मंत्रों को। अब फिर हम आगे हैं ऋग्वेद पर, यजुर्वेद रख दिया हमने, अब फिर आगे ऋग्वेद पर यजुर्वेद रख दिया, सिर्फ इतना प्रमाणित करना था कि जहाँ यजु लिखा है यजुर्वेद लिखना चाहिए। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 को पुनः पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधना भक्ति, और यजमान साधक भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्तों को खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता है, पाप कटेर पवित्र हुआ, और अपने रूप को
सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का ओरिजिनल जो शरीर है एक सतीथि में जो सतलोक में रहते हैं सथिरे, वो तो एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है हम उसको देख नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ आए है अन्य रूप धारण करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता, वर्णीय माने नेक आत्मा को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब 27 में क्या बताया है कि वो तेज पुंज परमात्मा को, यानी जो तेज पुंज का शरीर है, हल्का तेज पुंज का शरीर, गरीबदास जी ने कहा तेज पुंज अन्य तन दे धरकर इस विध हमको भेंटी, तो परमात्मा को जो परमात्मा, ये तो इनका कि बुद्धि वर्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर रहता है, वहां एक देशीय है, एक स्थान पर है, धूलोक में रहता है यानी अमर लोक में, सतलोक में। अब यहां देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 आपको दिखाते हैं, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर, ये यहाँ से 82 शुरू हुआ है और इसका एक मंत्र ये है, इसमें कितना स्पष्ट किया है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करता परमेश्वर, वो प्रकाश रूप है, साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है और पापों का नाश करने वाला है, और दयानंद कह है पाप नाश करता है नहीं भगवान, सौ जगह लिख रखा है वेदों में पाप नाश करता है परमात्मा, अपराध नाश करता है, और वह है राजेव, राजा की तरह है, राजेव राजा के समान, ये 269 पृष्ठ पे, अब 270 पे इसका शेष अनुवाद है, राजा के समान दशम यानी दर्शनीय है, राजा के समान देखण जोगा है, देखण जोगा, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, वह है वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। कैसे मिलता, जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जिस पर उसका अट्रैक्शन होता है, जैसे काशी की धातु को वर्षा के दिन में बाहर डाल दिया जाए तो अमूमन वहाँ पर बिजली गिर जाती है, तो पहले हमारे यहाँ थाली बेले काशी के होते थे तो उनको वर्षा के दिनों में अंदर खवा दिया करते थे हमारे दादा दादी जी, तो इस प्रकार कहा कि जैसे विद्युत का अट्रैक्शन काशी धातु पर होता है, ऐसे ही वो अपनी पुण्य आत्मा पर जिस पर उसका विशेष अट्रैक्शन है उसी पर आकर गिरता है, उसी को आकर मिलता है भगवान। अब दूसरे में क्या बताया है, उसका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का परमात्मा का, वो हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप है, तत्व ज्ञान देने के उद्देश्य से आप उन महापुरुषों को प्राप्त होते हो, ओहो स्पष्ट हो गया, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, हे आप, ये लिख दिया सर्वज्ञ, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, इन्हीं के शब्दों में सिर्फ थोड़ा सा सावधानी बरतनी अपन है, परमात्मा ने दया कर रखी है, यदि ये दास अनुवाद करता तो कोई ना मानना इसने, ना वो पढ़े लिखे थे, ये भ्रम हो जाता, अब इन पढ़े लिखे पर कटवा दिया रोग परमात्मा ने, जो कति निराकार बताओ भगवान ने उनसे साकार सिद्ध करवा दिया, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपने आत्माओं। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का, जिसमें फिर से नाम को क्लियर किया है, सूक्त नंबर 96 का मंत्र
16 से लेकर 20 तक दिखाते हैं कि वहाँ थोड़ा सा लेते हैं हम, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, अभी ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। हे परमात्मन, गुह्यम माने रहस्य में, गुप्त, आपके उस सरोपरी रहस्य में यानी गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने जो तुम्हारी संज्ञा है, ये नाम का नाम लिखना था, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है गुप्त, जिसने कोई नहीं जानते, आप उसका ज्ञान कराइए। अब यहाँ दसवें में क्या कहा है कि वो शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिर भी काव्येन कबीर संसोम पवित्रम अत्यतिरेभन। अब रेभन का अर्थ है गर्जता हुआ, ऊंचे स्वर में बोलता है, क्या बोलता है अब बताएंगे, ये नतड़ंगा कर रखा है बहुत से यहाँ। अब कबीर गिर भी काव्यना कबीर, ये कबीर है, कबीर कहो चाहे कवि ही बोलो, जैसे पुनः कहो चाहे पुनर कहो, तो उसका अर्थ एक ही होता है। ये क्या बताते हैं कि शिशु रूप में प्रगट परमात्मा फिर धीरे धीरे जो अपनी लीला करता हुआ बड़ा होता है, फिर वो वहाँ प्रगट होता है, तो उस समय वो अपनी कबीर गिर भी कबीर वाणी को काव्यना माने कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करता है ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को। और वो कबीर संत सोम, संत माने वो ऋषि या संत रूप में वो अमर परमात्मा, वो कबीर आता है, कबीर देव आता है, वो कबीर देव है। इन्होंने इस कवि का अर्थ भी नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि फिर इन्हें लिखना पड़ता कितन कितने, ये केवल एक लिखा है कवि, जैसे ये है ना कबीर गिर भी, इसके उन्होंने ऊपर रह को ये अपसर्ग लगा के यहाँ लिख दिया और गिर भी अलग लिख दिया, ये कबीर गिर भी। हम इसको कहें कबीर गिर भी, गिर भी माने वाणी के द्वारा, कबीर वाणी के द्वारा, सीधा सा इन्हीं के शब्दों कबीर वाणी, इसको कबीर मान लो, जो का लिखा कबीर गिर भी कबीर वाणी के द्वारा, काव्यना कविताओं से, और ऊंचे स्वर में बोलता है, और वो कबीर, वो कबीर देव, वो संत रूप में प्रकट हुआ अमर परमात्मा अपनी यथार्थ वाणी को उच्चारण करता है। फिर देखना, इन्होंने तो ऐसा लिख रखा है क्योंकि समझ में ना आवे, शिशु उस परमात्मा को, शिशु माने सूक्ष्म, ये इसका अर्थ बना है कि सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीति शिशु रूप परमात्मा, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है यानी साकार है, जो हरियंत अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का गान करते हैं, वर्णन करते हैं, विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, जब वो सर्वव्यापक है तो गतिकरण की क्या जरूरत होगी, इसने क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब और कवि लोग कर दिया इसका, यह लिखना था कबीर गिर भी यानी कबीर वाणी द्वारा, काव्येन कविताओं से, कविताओं माने लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो अपनी वाणी बोलता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा, इसी कारण से कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, इसलिए उसको कवि भी कहने लग जाते हैं। अब यहाँ देखो 18वें में कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ये ऋषि कृत है, जो इधर मिट रहा है, सवरसा सहसर अणिथ है पदवी कवि नाम, वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत, उस ऋषि के द्वारा बनाई गई वो कविताएं यानी तत्व ज्ञान के दोहे आदि, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, पदवी कवि नाम, यहाँ कवि लिखना ठीक है क्योंकि कवि के विषय में जानकारी है, वो तृतीयम धाम महिषी शिष्यम संत सोम विराजमानु राजती सतुप। अब इसका अनुवाद कैसे किया, सोम परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा, इन्होंने सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, इनका अनुवाद यहाँ लिखा है देवयान और पितरान, इन
दोनों से पृथक तीसरा दो मुक्ति धाम है, उसमें विराजम विराजमान जो ज्ञान योगी, ज्ञान योगी ठोक दिया इसमें, इनका याद आ गया यहाँ पे कि दानंद तो निराकार बतावे और वेदों पा गया साकार, तो ज्ञान योगी लिख दिया। किसी ने पढ़ या नहीं सोचेंगे, संस्कृत आवा नहीं थी तो किसी ने चेष्टा की इनके अनुवाद को पढ़ने की तो नहीं सोचा ज्ञान योगी के बारे में कह रखे हैं, जब ज्ञान योगी का इसमें जिक्र नहीं किया है, ये तो भगवान की महिमा है। और वो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला है हमारे सट्टे कवि नाम पदवी, जो कांतर्षियों की पदवी यहाँ लिखना था, जो कव इनको यहाँ कवि का अर्थ लिख दिया कांतदर्शी, यहाँ लिखना था वो कवियों की पदवी को प्राप्त करता है मुख्य स्थान, उसको उसका मुख्य स्थान होता है कबीर देव, कबीर साहब को कवि भी गिना जाता है। ऋषिकृत इसका सब ज्ञानों का प्रदाता, कोई बात हुई, ऋषिकृत उस संत रूप या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा कृत वो कबीर वाणी या अर्थों का अर्थ कर रखा है। सवरसा, सवरसा माने स्वर्ग की तरह आनंद, बहुत ही आनंददायक है उस उसके सब उपासकों के लिए। अब हमने ये देखना था कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाप में विराजमान, इन अड़गा कर दिया ज्ञान योगी, अब यहाँ क्यों ना लिखा ज्ञान योगी। यहाँ देखिएगा इन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 27 में देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के और मंत्र नंबर 27 में लिखा है कि जो परमात्मा द्यूलोक के द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यह बोल गया ज्ञान योगी लिखना। ये परमात्मा अपरंपार शक्ति है, इनसे लिखवा भी दिया, इनकी बुद्धि को भी कंडम कर दिया, इसमें सच्चाई लिखवा दी, और यहाँ इन्होंने अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की तो भी नहीं अड़ा सकते, क्योंकि हम संस्कृत भी हम जानते हैं, देवनागरी लिपि को भी हम समझ सकते हैं। देखिए अब 9 के क्षणों का ये 18वां मंत्र है, 18वां, इसमें लिखा कि वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा है तृतीयम धाम, ये कह तीसरा जो मुक्ति धाम है, ये पितरान पितरुन छोड़ दे, जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, ये लिखना था बस, ज्ञान योगी नहीं, वो वहाँ रहता है और वहाँ से गति करके आता है अपने आत्मा, वो कैसे आता है ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के, अब 96 पे आ गए हम दोबारा, ये हमने 18वां पढ़ा, अब 19वां भी यही है, इसमें इन्होंने तुरियम धाम भी लिखा है, मूल संस्कृत में तुरियम, तुरियम माने चौथा, ये खुद अनुवाद करें तुरियम माने चौथा, धाम माने धाम, वो चौथे धाम में भी है, सतलोक से ऊपर चौथा धाम है अकै लोक अनामी लोक, उसमें भी भगवान वही रहता है। इन्होंने खुद क्या लिखा कि चौथा परमपद परमात्मा है, इनका चौथा जो परमपद है वो भी परमात्मा है, चौथा परमपद यानी चौथा परमपद परमात्मा है, कोई और इस गीता ज्ञान से नारा ये चौथा परमात्मा बता रहे, वास्तव में ये देखो महापुरुष उस तुरीय परमात्मा का, तुरियम तुरीय माने चौथा, तुरियम उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है यानी चौथा परमात्मा है, वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शीघ्र गति वाला है। अब यहाँ देखो इसमें 20 में कमाल कर दिया, वो कैसे आता है, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी उसके बहुत शिष्य हो जाते हैं और वो परमात्मा उनका एज ए कंट्रोलर होता है, और इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्राप्त होकर उत्सवर से गर्जता हुआ अपने सच्चे ज्ञान को ऊंची आवाज में बोलता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में बड़ी भांति प्रविष्ट होता है, वहाँ से चलकर यहाँ से आता है। और कैसे आता है, जैसे मरिय माने मनुष्य, मरिय मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है, इसी प्रकार प्रकृति रूप ऐश्वर्य को धारण करता हुआ परमात्मा सदैव उदित है। अब यहाँ सपट कर दिया कि जैसे व्यक्ति एक
अपना, जैसे कोई पुलिस में है अधिकारी, तो वहाँ ड्रेस उतार दी, सिविल सर अपना लगा कर चल पड़ा। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा, जैसे एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्रविष्ट होकर गरजता हुआ आता है। और जैसे कैसे प्रविष्ट होता है, वो कैसे प्रविष्ट होता, जैसे मनुष्य सोफर शरीर को धारण करता हुआ, सोफर शरीर को धारण करता हुआ यानी और कपड़े पहन ले आदमी, ऐसे परमात्मा इस सोफर शरीर को धारण कर, जैसे ये देखो 97:2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 का मंत्र नंबर 2 में क्या कहा है कि भद्रा वस्त्रा। अब शरीर को संत लैंग्वेज में, आध्यात्मिक लैंग्वेज में वस्त्र भी कहते हैं, भद्रा वस्त्रा समन्यावसान है महान कबीर निवचनानी संसन। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जो कबीर देव है, महान कबीर, वो सर्वशक्तिमान कबीर निवचनानी, निवचनानी माने जो सुंदर वक्तव्य है, निवचनानी संसन सुंदर वक्तव्य है जो उनको जानता हुआ, संसन माने बोलना होता, महान कबीर लिख दिया ना, वो महान माने सर्वशक्तिमान कबीर देव। अब यहाँ इसका अर्थ है कि वो परमात्मा सम अन्य यानी उस परमेश्वर जैसा ही शक्तिशाली है, और वो अन्य सुंदर, अन्य वस्त्र माने अन्य शरीर, सम अन्य, सम अन्य माने अलग, कुछ कोई और उसी के समांतर शक्ति वाला अन्य वस्त्र धारण करके, वस्त्र कहो तो शरीर कहो, चोला कहो, जैसे संत भाषा में कहते हो, संत शरीर छोड़ गया, चोला छोड़ गया, वस्त्र कहो, चोला कहो, शरीर कहो, भद्रा वस्त्रा समन्यावसान है यानी अन्य कोई वस्त्र, अच्छे वस्त्र, सुंदर शरीर धारण करके परमात्मा यहाँ आकर निवास करता है। और वो महान कबीर निवचनानी संसन, वो अपने उन लोकोक्तियों के माध्यम से, सुंदर वक्तियों से अपने संसन माने वो वाणी बोलता है, कहता है। अब ये तो वेद वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, और जिनको परमात्मा आकर मिले उन महापुरुषों ने भी यही जानकारी दी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ मध्य प्रदेश में, एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था, उसमें एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, उसका पुत्र था धर्मदास, और इतना संपन्न थे वो धनमय कि अगर उस क्षेत्र के राजा को कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, जैसे कोई अकाल गिर गया या फ्लड आ गई, तो वो उस धर्मदास जी के पिताजी से वित्तीय सहायता प्राप्त करता था। और ऐसा धन युक्त व्यक्ति जो परमात्मा की खोज में घूम रहा है, वो कितनी पुण्यात्मा होगा पूर्व जन्म की। वो घूमता घूमता जैसा उसको गुरु मिला था, उसने डले ढोने बताए थे, उसी तरह चल पड़ा मथुरा माया, वहाँ चक्कर काटने परिक्रमा देने के लिए, और उस तालाब मनाने के लिए जहाँ कृष्ण जी नहाया करते। कृष्ण जी तो फिर वहाँ समुद्र में चले गए थे, वहाँ क्यों ना गए तुम सारे, आड़ो जोड़ में ला दिए, सारे मूर्ख बना दिया। अब वहाँ परमात्मा उनको मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया, उसके बाद उस धर्मदास जी ने परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ अपने आँखों देखा, सतलोक लेकर गए परमात्मा। फिर उन्होंने अपने अनुभव से क्या कहा, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटण यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे
दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, अमृत भोजन मारे सत गुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सत गुरु जी मैं, वो शब्द दूध की खीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे। अब जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने ये बता के सतलोक से चलकर आए, काटन काल की जंजीर, ये काल न ज्ञान न हमें फंसा रखा है, इस काल के कर्मों की जंजीरों को केवल कबीर परमात्मा काट सकता है। फिर वही परमेश्वर अपनी लीला अनुसार के वो चलकर आते हैं, सतलोक से गति करके आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक मलुक दास जी, एक मलुक दास नाम के महापुरुष हैं, उनको परमात्मा मिले। और वो बहुत बड़े किसान थे, खत्री कौम के अंदर उनका जन्म था, यानी अरोड़ा जाति में थे वो, और गांव के नंबरदार होते थे, उसमें सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार थे। नंबरदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास घर घर फिरे और दरे कबीरा भेख, भेष माने अलग वेशभूषा बना कर जगह जगह जा कर प्रकट होता है, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में जा कर अपने बच्चों को, पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक संत रूप में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उस आधार से वो वहाँ एक नगर में गए हुए थे जिसमें मलुकदास जी रहते थे, जिसमें मलुकदास जी नंबरदार थे। वहाँ दो चार भक्त परमात्मा के शिष्य थे, भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ गुरुदेव दर्शन दो, तो वहाँ चले गए। एक भक्त ने आमंत्रित किया, उनके घर रुके, तो वहाँ परमात्मा और उस गांव के जितने भी 10-5, 20-30 भगत थे वो इकट्ठे हो गए। परमात्मा ने सत्संग किया तो भगवान की, परमात्मा के आव भगत के लिए उन्होंने खीर बनाई, हलवा का प्रसाद बनाया। तो वो मुल्कदास चौधरी नंबरदार सुबह सुबह इधर घूमने फिरने जावे सैर सपट्टे को, और उसी समय हलवे में छोंक लागन का टाइम आ गया। परमात्मा लीला करे थे, हलवे में उपात डालना, एक हलवा बनाना तो एकदम छरड़ छरड़ हो और महक जावा दूर ताई देसी घी की। मुलुकदास ने एक दिन देखा, भाई क्या है इनका ऐसा, चला गया, भाई चलो कोई होगा इनका तीज त्यौहार। अगले दिन फिर दूसरे भगत ने प्रार्थना कर दी और दूसरे भगत के चले गए। परमात्मा उसी रास्ते पर थे वो घर तकरीबन। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, उसने देखा कि भाई यू क्या हो रहा है, आज फिर यहाँ देसी घी का हलवा बनाया जा रहा, पात डाली एकदम चरडाटा उठा। तीसरे दिन उसने पूछा कि भाई यू के सांग है, तो आज तीसरे घर में यू हो रहा, क्या कर रहे हैं, ये क्या कुछ है। तो किसी ने बता दिया, क्योंकि संता के विरोधी घने हुए रहे गाँव में, उन्होंने कहा चौधरी साहब ये एक पाखंडी आ रहा है और इन्हें लूट रहा है बेचारों को, रोज देसी घी के हलवे खावे, खीर खावे हैं, और इनको बर्बाद करेगा, यू कोई हानि करके जागा यहाँ से। अब चौथे घर में जिस दिन ये क्रिया थी उस दिन मलुकदास पहुँच गया। वो कहने लगा, भाई कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है। तो दूसरे जो जिसके वो परमात्मा विराजमान थे जिस घर, भगत कहने लगे चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग कर रहे हैं। ने बता रहे करके क्यों ना खाता अपना है। तो परमात्मा बोले, भाई मेरे को तो भगवान बगैर कुछ किए ही दे रहा है, यानी जो क्रिया तुम करते हो मेरे को तो वैसे दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। मुल्कदास जी कहने लगे, वो मुझे ना देता भगवान बिना करें, सारे दिन खेत में काम करते हैं, जब जाकर दो कनक पैदा होती है। परमात्मा बोले, भाई तेरा विश्वास कोई ना भगवान पे,
तूने वो विधि प्राप्त कोनी जिससे भगवान बिना करें भी दे दे। अब वो कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो संतों से ज़्यादा नहीं खसते, तो उसने थोड़ा विषय बदला, कहने लगा एक बात बताओ महाराज जी, क्या ये भगवान मुझे बिना करे दे देगा? अक हाँ दे देगा जब विश्वास करोगे तो। अक अच्छा ठीक है, आज मैं रोटी नहीं खा खा रहा हूँ, और आज जब तेरे भगवान ने मेरे ती खाना खिला दिया तो मैं तेरे चरणा पड़ जाऊँगा और तेरा शिष्य हो जाऊँगा, आजीवन गुलामी करूँगा, जैसे तू कहेगा वैसे करूँगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे को नहीं खाना खिलाया आज बिना करें, तो तेरे को पकड़ कर मजदूर लगाऊंगा और वहाँ खेतों में काम करवाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है जी, मुझे स्वीकार है। कबीर साहब बोले अब मुलुकदास जी के खेत तो थे पूर्व दिशा में और वो पहुँच गया पश्चिम दिशा में अपने खेतों, दूसरों के खेतों में और दूसरे गांव की सीमा में जाकर और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, ऊपर बैठ कर जाकर देखूंगा अरे कौन भोजन खिला देगा मुझे। अब मालिक कहते हैं सोचल चिदर मैं करूँ अपने जन के काज। अब क्या हुआ, वहाँ कुछ भेड़ बकरियाँ चराने वाले आगे उस पेड़ के नीचे, उनका कोई त्यौहार था, तो उन्होंने कहा भाई तुम दो व्यक्ति छोड़ गए, तुम दूध निकाल कर बकरियों का गायों का जैसे का दी गाय भी रखते थे और तुम आज खीर बना लो, हम भी तब तक बकरियां चराते हैं। तो वह तो दूध निकाल कर वृक्ष के नीचे चूल्हा चाला बना के साथ में कुआ था और वो लागे खीर बनाने। वह खीर बनने को हुई तब उन्होंने के देखा कि दूर से डाकू आ रहे थे घोड़ों पे, धूल उठती आवे, उनको पता होता था कि ये ऐसा सैर सपट्टा डाकू आए गाँव से, उन्हें पता लग गया कि वो आगे डाकू इसी रास्ते से आ रहे हैं, ऑन द वे था वो, और डाकू तो बिना वे भी चल रहा करें, वो तो डरते भाग गए कदे अपने मार दें, वो तो भाग गए छुप छुपा कर अपने, वो दूर गए थे उनके बकरी चराने वाले वहाँ, और उनको भी कह दिया डाकू आगे डाकू, वो और आगे चले गए छोड़ छाड़ के खीर ने। अब वो व्यक्ति वो समूह आया डाकुआ का आकर वहाँ रुक गया, वृक्ष की छाया देख कर कुआ देखा, उन्होंने देखा कि ये क्या बन रहा है। एक डाकू उतर के देखा, उसने बोला, वो कहने लगा उस्ताद ये तो खीर है, खीर को डरता भाग गया, बुनाई बुनाई तैयार करके आ जाओ खाएंगे। दूसरा कहने लगा उन्हें डाकू में से बुद्धिमान साहब ने बोला भाई कदे कोई जाल साजी हो और किसी ने इसमें विष डाल रखा हो, किसी को खिला के देख लें। तो वो एक कहने लगा भी वो बनाने वाला किताड़े छुप रहा होगा, देखो इधर उधर, कोई इधर देखे कोई इधर देखे, और एक ने ऊपर देखा बोला वो बैठा ने बोला वह नीचा। अब उसने कसम खा रखी सारी उम्र, फिर वो घर छोड़ना पड़ा, वो डर गया इस बात से कि देते ना, उसने इन्होंने भी रहा था डाकू हैं, उन्होंने सोचा गुरा चलते हैं, ने बोला नीचे आ जा, ने बोला ना आऊँ, क्योंकि उसने कसम खा रखी कि नीचे आ जा गो पछाण दे। तो उन्होंने फिर वो दिखाई इस तरह बंदूक आ वह तेरे मारे गोली, उन्होंने सोचा ये तो भाई और सांग सक में फट दे ही नीचे आ गया एक मिनट में, और वो जो पतीला ढक रखा था उसका वो था ऊपर ढक्कन, उसमें खीर गाल दी डाकुआ ने, जो बोला इसने खा, अब खाओ कि मैं होगा तो मर जाएगा खा के ससुरा, दो मिनट बाद देखेंगे। वो ने कहा ना खाऊं खीर, उनका पक्की जचगी किसने कि मैं मिला रखे इसमें, वो कहें खार वो नट है, उसका दो मारे दड़ाक गिर के दो मारी लात खा इसने, अच्छी खिला दी, अब बैठ अड़े दस मिनट आध घंटे उड़े बैठाए रखे, वो नहीं मरा, मरा था कि उसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर उसको कहा तू भाग जा से, उसने तो सीधी डांक ठोकी। अब जब उस पर आपत्ति आई, उसने पता लग गया कि तो डाकुआ का फंस गया तू, तब उसने हाथ जोड़कर अंतरात्मा से प्रार्थना करी, हे गुरुजी आज मुझे बचा लो, मैं आपका शिष्य बनूंगा। और नरी खीर खाणते तो के बने थे पक्के उस्ताद हैं, उड़ा उसका भय बन गया, अकाज मर गया, जब जान बच गई तो उस महापुरुष से ही बचेगी, तो उसने हृदय से भी ये डिमांड करी थी। तो दूसरे कहा उन्होंने कहा ना बाज ले, तब उसका गीसा गल गया, उन्होंने डांक ठोक दी और सीधा उस परमेश्वर कबीर देव जी के चरणा मां का पड़ा। परमात्मा तंत्रयामी थे, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, वो लेने थे शरण में पुण्यात्मा थी,
परमात्मा ने कहा के बात चौधरी साहब, भगवान ने कुछ करी सेवा? ने बोला आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावे है। तो उस दिन से वो चौधरी साहब दास मलोक हो गया, चौधरीपना छोड़ दिया, गुरु परमेश्वर के चरणों में आ गया। और फिर उसको भी यही लीला की भगवान ने सतलोक में लेकर गए उस आत्मा को। 3 दिन तक वो बेहोश पड़ा रहा। अब मलुक दास जी ने फिर क्या कहा जब वो परमात्मा से परिचित हुए? जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंद्री के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंद्री के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर। मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे तनिक न धरते धीर, कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे तनिक न धरते धीर। चार दाग से न्यारा सतगुरु अजरो अमर शरीर, मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब वो मलुक दास जी कहता है कि आप जब ज्ञान से परिचित हो गया तब कहा करते थे कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी, तो तुम कहते हो बंसी बजाते थे जब गायें गुएं आ जाती थी उसके आसपास, और हमारे कबीर परमात्मा ने जो बंसी बजाई थी कहते हैं उस यमुना नदी का जल भी रुक गया था मालिक की वो वाणी सुनने के लिए, और ऊपर से देवता लोग भी आकर के खड़े हो गए थे। वो समर्थ परमात्मा है, क्योंकि जैसा कोई साहब है, जैसे एक मंत्री भी साहब कहलाता स्टेट का, मुख्यमंत्री भी साहब है। अब उनके मिलते जुलते से लक्षण होते हैं शक्तियों के, लेकिन जो प्रधानमंत्री साहब में जो लक्षण है जिसका आगे मुख्यमंत्री भी करबद्ध खड़ा हो जाता नतमस्तक होकर, तो वो समर्थ शक्ति है कबीर जी। अब जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर अभी आपने देखे 82-86 इनके मंत्रों में 96 कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है, तो दृढ़ भक्त होते हैं, फिर सारा संसार एक तरफ और वो एक तरफ, ऐसे भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, उनके फिर इतिहास बनते हैं, आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं। दादू जी को मिले और 3 दिन 3 रात तक दादू जी बेहोश पड़े रहे थे, उनको सतलोक में लेकर गए। जब वापस आए थे तो उन्होंने क्या महिमा गाई कबीर परमेश्वर की। तो परमात्मा देखो वेद बतावे, गीता जी बतावे, पवित्र वेद, ये सभी पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं, और आंखों देखा संत बता रहे हैं, तो सबकी मिलकर एक सुर हो गया, तो भगवान पहचानने में देर नहीं। अब दादू साहेब जी क्या कहते हैं जब वो परमात्मा से परिचित हुए? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे पारे। जो जो शरण कबीर के वो पार हो गए अनंत अपार, और कहते उस परमात्मा की क्या महिमा कहूँ, कहते हुए भी हमारी जीभ जो ना थक जाती है, उसकी महिमा गुणगान करते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर,
सत्साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी। जिला मेरा बागपत है, गांव शेरपुर द्वारा और थाना छपरौली, तहसील बड़ौत। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा सर जी मैंने लिया था 2013 5 मई को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी जरूर करते थे जी हम भक्ति साधना। वैसे अपना शिव मंदिर में जाना और वैष्णो देवी जाना या अपने शाह कुमरा देवी गए दो चार बार जी। और वैसे हमारे जो एक बात और बताऊँ जी मैं आपको, हमारे गांव में जी ये आदरणीय श्री गीसा दास साहब जी के भी जो संत आते थे वे सत्संग करते थे जी। हमने उनका भी सत्संग सुना और उनकी अमृतवाणी भी हमने सुनी जी। और सबसे पहले मेरी भी एक भाभी जी थी, उसने उनसे नामदान की दीक्षा लिया जी। और महाराज का नाम था जी परमानंद जी। फिर हमारे भाई ने लिया तो मेरे को बोले आप गुरु बना लो, और गुरु बनाने से बड़ा लाभ होता है सतेंद्र इसमें, और इसमें बहुत ही फायदे हैं। मैं बोला जी चलो ठीक है फायदे है तो बताओ। तो बोला कि आप दसवीं में एक बार फेल हो गया था, वे बोले आप पास हो जाओगे और गुरु जी से बनाओ। तो मैंने भी गुरु बनाया उनको परमानंद जी को। और जो उन्होंने नाम दिया वो नामदान का जाप भी करते थे। और उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई आप पूर्णमासी का व्रत करो। पूर्णमासी का व्रत करते थे और शाम के टाइम जो हमन करता था ना उसमें कहते थे बस सिर्फ ओम भूर्भुवस्वः नहीं बोलना, ओम स्वाहा बोलना है, बस आहुति देना ओम स्वाहा बोलना है। तो सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, आपने गीसा दास जी के पंथ से जो एक गुरु थे उनसे भी आपने नाम दीक्षा ली, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे कोई लाभ नहीं हुआ जी मेरे को, तो शरीर में इतना कष्ट हो गया था जो ऐसा अध्याय रोग जिसको कहते हैं कि मैं 18-20 साल की उम्र में मैं ऐसे चलता था जैसे 70 साल का बुढ़ा, मेरे से मतलब कोड्डा होके चला जाता था और पलौती मार के तो मैं बैठ नहीं सकता था जी, इतना मेरे को दर्द उससे रहता था। फिर भी मैं फिर यहाँ पे मेरे भाई साहब रहते थे यहाँ दिल्ली में, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में आ गया जी। दिल्ली में आने के बाद में मेरे को दीनदयाल हॉस्पिटल में दिखाया गया जी, तो वहाँ पे मेरा 3 साल तक इलाज चलता रहा। लास्ट में एक सरदार जी नाम तो मैंने बोला डॉक्टर साहब थे जी, उन्होंने बोला कि भाई ये आपके कमर का रोग ठीक नहीं होगा और आपको इतने जियोगे इतने 2 पेन किलर तो आपको खानी पड़ेगी एक सुबह एक शाम को काम चलाने के लिए, और वजन का काम तो आप कभी भी अपने जीवन में नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला। बोल ठीक है तो मैं चलो भाई कोई बात नहीं। फिर यहाँ से खाने के बाद में सोचा भाई ऐसे भाई के पास में मैं कब तक खाना खाता रहूँगा, तो मैं जी सर्विस पर लग गया सिक्योरिटी में, SDS सिक्योरिटी में मैं लग गया। और उसमें लगने के बाद में मैं फिर मेरा ESI कार्ड बन गया जी। ESI कार्ड में मैंने ESI में फिर इलाज करा जी। 3-4 साल तक वहाँ इलाज में ESI में हॉस्पिटल में बसे धारापुर मेरा इलाज चलता रहा। उन्होंने अपना जो भी सिकाई विकाई जितना भी करना था करते रहे जाता था। तो उन्होंने लास्ट में मेरे को बोला डॉक्टर साहब ने बोला आपके भाई ऐसा रोग है ये क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में ना थोड़ा सा बढ़ आ गया है और इस बढ़ की वजह से अच्छी दिन हो सकती है और ऑपरेशन इसका हम कर नहीं सकते, तो आपको पेन किलियर तो खाना ही पड़ेगा हल में और वजन का कोई भी काम आपको नहीं करना है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला। मैं बोला चलो भाई ठीक है। मेरी पत्नी ने मेरे को बोला कि क्या मैं सत्संग जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आदरणीय गीसा दास साहब के जो संत थे उनसे सुना था कि भाई इस जीव का प्रथम कर्तव्य होता है कि अगर मनुष्य जन्म पा के भी आत्म कल्याण नहीं हुआ तो मान लो धिक्कार है जीना, इसमें मतलब एक गधे कुत्ते के समान जीवन जी रहे हैं। तो मैं बोला भाई ठीक है आप सत्संग जाओ। तो वो सत्संग जाने लगी सावन कृपाल रूहानी मिशन। तो उस सत्संग के अंदर मैं वहाँ पर संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा लिया और मेरे को बोला कि आप भी एक बार महाराज जी के दर्शन कर लो। मैं बोला मैं तो परमानंद जी से नाम ले ही रखा है, मैं क्यों मैं तो गीसा दास साहब की पंथी हूँ, मैं अपना भक्ति करता हूँ, तू अपनी करती है जो करना है। वो बोले नहीं नहीं एक बार तो आप संत को देख लो, बहुत ही अच्छे संत है, ऐसा है वैसा है, उसने मेरे को बहुत बताया। तो मैं चलो भाई उसके कहने से मैं तो वहाँ पे गए सत्संग सुना दो एक बार। वैसे तो मेरी समझ में आता नहीं था सत्संग, परंतु फिर भी उसने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, आप ना सत्संग तो सुन ही रहे हो परंतु इनका नामदान की दीक्षा लो जी बात बनेगी। मैं बोला भाई नामदान की दीक्षा तो चलो मैं ले लूँगा कोई बात नहीं। तो फिर एक हमारे घर पे ही एक पार्टी है उनके मिशन के बीर सिंह जी पालम गांव के रहने वाले, तो बीर सिंह जी ने मेरे को बोला कि आप ना सत्येंद्र जी नाम लीजिए संत राजेंद्र सिंह महाराज से, ये सावन कृपाल रूहानी मिशन के जो आजकल नाम दे रहे और ये मान के चलो कि हमारा बहुत ही अच्छा पंथ है, जब आप इनसे राजेंद्र सिंह महाराज जी से नाम ले लोगे ना गुरु बना लोगे तो आपको सब लाभ अपने आप होता चले जाएगा। तो मैं चलो कोई बात नहीं उनके कहने से भी
और एक दो हमारे गली में और भी थे उनके सत्संगी, उनके कहने से गए नामदान की दीक्षा लिया, परंतु कोई भी लाभ मेरे को उस दर्द के अंदर, उस पीड़ा के अंदर कोई राहत नहीं मिली मेरे को, और मैं ऐसे ही अपना गोली खाता रहता था, चलो चलता रहता था। सर आपने बताया कि आपने सावन कृपालु मिशन के संत राजेंद्र सिंह जी से नाम दीक्षा ली, तो संत राजेंद्र सिंह जी ने आपको क्या नाम दीक्षा दी, क्या आप हमारे श्रद्धालु को बता सकते हैं? हाँ जी, वे नाम देते थे सर जी, पहले घट के अंदर अंधेरा रहता है, कुछ जोत जला लेना चाहिए, ऐसे बोल के उन्होंने बोला कि भाई ज्योत निरंजन रंकार ओंकार सोहम सतनाम अकीय मंत्र जप करो, और ऐसे सुबह में बैठ के तो मतलब दोनों कान बंद करके आंख बंद करके और ये अंगड़ी ऐसे माथे पर लगा के तो धुन सुना करो, क्योंकि जब धुन सुनोगे आपको ऐसे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और ये आत्मा अंड से ब्रह्मण में प्रमंड में ऐसे करके चली जाएगी ऊपर। तो मैंने वो भी साधना एक डेढ़ घंटा बैठ के करके देखा, उससे ना मैं कोई लाभ ना कुछ धुन धन, तो कुछ ऐसा ही पता नहीं वो बाहर का खड़का होता था या अंदर का, उसमें कुछ नहीं रहा बैठता था। तो सर आपने जो संत राजेंद्र सिंह जी से नाम दीक्षा ली, पांच नाम आपने बताए कि आपको ज्योति निरंजन ओमकार रंकार सतनाम सोहम, ये पांच नाम राजेंद्र सिंह जी ने दिए, तो ये भक्ति साधना आपने कितने साल तक की? ये मैंने जी 10 साल के आसपास करी जी। तो सर आपने बताया कि संत राजेंद्र सिंह जी से जो आपने नाम दीक्षा ली वो लगभग आपने 10 साल तक की, डेढ़ घंटा आपने उनके द्वारा बताया गया नाम स्मरण किया, लेकिन जो आपको परेशानी थी रीढ़ की हड्डी में दर्द वो आपके साथ साथ चल रहा था, वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया जी, तो एक पंडित जी थे जी, वो अपना डेली उसी रोड से जाते थे जहां मेरी ड्यूटी थी जी, तो वो एक दिन सुबह सुबह ये ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर आ रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई जी मैं आपने मेरे को बहुत पुस्तक दिया है और आप ये एक पुस्तक मैं लाया हूँ आपके लिए, आप इसको पढ़िएगा, मेरे को वो पुस्तक दिया और मेरे पास टाइम काफी था कि कंपनी बंद थी, तो मैंने उसमें पढ़ा बहुत सी, मैं बोले तो सारे काम उल्टा हो रहे, भक्ति मार्ग कुछ हो रहे और परमा ये सतगुरु रामपाल जी महाराज तो लिख रहे हैं इसके अंदर साफ साफ भाई गीता जी में ये प्रमाण है, गीता जी में वो प्रमाण है, ये सारे दिखा रहे हैं, और फिर हमारे घर मेरे घर पे गीता जी रखी थी और मैंने उसमें भी आके मिला तो बोला भी तो बिल्कुल सही है, और ये हमें दे क्या रहे हैं, ये तो कुछ बेकार ही काढ़ा हो रहा है, इसलिए तो लाभ नहीं हो रहा कि जी हमें सही मंत्र ही नहीं मिले तो लाभ कैसे होगा, तो ऐसा मेरे मन में आया। तो वो फिर 3-4 दिन के बाद में कि एक हफ्ते के बाद में फिर आए मेरे पास में, बोला भगत जी पुस्तक कैसे लगा भाई जी आपको, मैं बोला जी पुस्तक तो अच्छी है पर मेरे को ये बताओ पुस्तक आपको दिया किसने, क्योंकि अगर हम इस संत के चरण कमलों में जाना चाहे, इनसे नामदान की दीक्षा लेना चाहे तो हम इनसे दीक्षा कैसे ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला एक कार्ड मेरे को दिया, बोला ये लो कार्ड, वो कार्ड था अजय दास जी का, तो मेरी ड्यूटी 2/17 में थी और अजय दास जो थे परमात्मा से जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से पहले जुड़े हुए थे वे 2/10 ING वेश्या बैंक में मैनेजर रैंक पर काम करते थे, तो बोला भैया 2/10 में आप वहां जाकर उनसे मिल लो, तो मैं कंपनी में ताला लगा के परमात्मा के ऊपर सब चीज छोड़ के मालिक जो जो हो जाएगा मैं आप जा रहा हूं, तो उनके पास मैं गया ING वेश्या बैंक में, दूसरी मंजिल पर उनका ऑफिस था, तो उनसे मैं मिला, तो वे बोले भाई ये है बरवाड़ा में हिसार में, बोला साहब जी मैं तो कभी देखा नहीं बरवाड़ा नाम, कभी गए इधर की तरफ, तो आप कैसे मेरे को रूट बताओ, वो बोला नहीं नहीं ऐसा करो आपको जब टेम हो, जब मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, बोलो कल चलो परसों चलो जब आपकी इच्छा करे, मैं बोला ठीक है जी फिर हम संडे को चलेंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने 2013 5 मई को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और जब से परमात्मा के चरण कमलों में जो मालिक ने नाम बताया उनका मंत्र जाप कर रहे हैं भक्ति करते हैं जब से। तो सर आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी मेरे को लाभ प्राप्त हुआ जी, हम जैसे ही गाड़ी में जाते बैठे तो भगत जी आपस में चर्चा करते भाई भगत जी जो आपको मतलब दिक्कत हो ना भाई जी आप ना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सामने दर्शन देंगे जी बोल देना कि मेरे को यह दिक्कत है, तो वे परमात्मा आए हुए हैं ये फिलहाल इस काल के लोक में और जो भी आप कहोगे आपकी तुरंत सुनवाई होगी। तो हमने पहले नाम दाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से, उसके बाद में जब हम दर्शनों के लिए गए अंदर में तो वहाँ पर सब लाइन में खड़े थे,
तो जी गुरु जी आए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, तो मेरे सिर पर हाथ रख के भी थोड़े से आगे चले गए। मैंने फिर कहा ए मालिक ए दाता, दास पर दया करो परमात्मा, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है मालिक, बख्शो किसी तरह। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज फिर 5 कदम हटकर पीछे आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला बेटा जा परमात्मा दया करेंगे, आज के बाद में तेरे कमर में दर्द ना रहने का। वो दिन सो आज है भगत जी, मेरे तो कभी कमर में दर्द हुआ नहीं, ना ही मैं गोली खाता हूं। और मैंने 6-7 महीने अभी यहाँ नसीरपुर मंडी में सब टमाटर का काम मैंने करा, एक यहाँ पे नौकरी करता था, और मैं कम से कम 50-60 ट्रे डेली उठा के गाड़ी से तारना, ऊपर रखना, लोड करना, जिसमें एक करेट के अंदर 25-30 किलो वजन होता है। तो उसके बाद में मैं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कमर में दर्द, ना कुछ, आज तक मेरे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये लाभ परमात्मा ने दिए, और 2 बार परमात्मा ने मेरे को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। एक बार मेरे को मैं LNT, ये अपना शिवाजी मार्ग पे है कंपनी LNT, तो उसके अंदर मैं मतलब बट्टा था वो वहाँ पर ना, मतलब पंखा तो नहीं था उस रूम में, और उसमें ना एक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा था ऊपर 24 इंच का बड़ा, तो उसी चला के सब बैठते थे सुबह में भी चाहे दोपहर में। तो मेरी ड्यूटी जैसे लगी तो मैं भी उसके नीचे स्टूल रखा और एग्जॉस्ट फैन जैसे चलाया तो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, और जैसे ही मैं बट्टा बैठते वो एग्जॉस्ट फैन ऊपर से पड़ा कटाक देसी के, ऊपर से पड़ते मेरे थोड़ा सा हल्का सा बाल पर लगा, थोड़ा सा कंधे पे, और जिस स्टूल पर वो लगा ना उस स्टूल पर 1 इंच वो फट्टा काट दिया उसने। तो मेरे को परमात्मा ने, मैं सोचा अगर आज मालिक के चरण कमलों में ना होता तो मेरा आज मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि इसमें कोई दया नहीं कि परमात्मा ने इतना बचाया, भाई सिर पर लगा, कंधे पर लगा, और फिर बगल स्टूल रखा जिसमें 1 इंच लकड़ में धस गया तो शरीर का क्या हाल कर देता है। तो मैंने वहां से भी बताया उनको, भाई ऐसे ऐसे बात होगा, वे बोले चलो कोई बात नहीं भगत जी, हम इतना आपके लिए ना पंखा लगवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो लगवाओ तो कोई बात नहीं। और ऐसे ही फिर वही LNT में एक जिन्ना था, नीचे बेसमेंट से आके ऊपर आते थे, उस जिन्ने में 14-15 पैड़ी थी, क्यों बेसमेंट से ऊपर आना था उसमें। तो मैं सुबह सुबह ताड़ा खोला, और ताड़ा खोलने के बाद पता नहीं कैसे मैं एकदम से पलट गया नीचे, मेरे थोड़ी सी यहाँ पर चोट लगी हल्की सी, ये यहाँ पर अभी निशान है इसका, वैसे तो मैं टांका इसमें नहीं लगवाया, और इसमें मालिक की कृपा से, नहीं तो नाड़ टूट जाती 15 पैड़ी पर से, या कोई पढ़कर देख लो। तो वहाँ भी मालिक ने मेरी जान बख्शी, परमात्मा ने मेरे एक बार मतलब मालिक आपके चरण कमल में होते मैं ऐसे कैसे ढापड़ा, बस ऐसे ही दया करी परमात्मा ने बंदी छोड़ से रामपाल जी महाराज ने। तो मेरे को जब से अब तक कोई परमात्मा की कृपा से, सतगुरुदेव जी की कृपा से कोई दुख ना, मालिक कृपा ठीक चल रहा। और जी मेरी एक बार नौकरी भी छूट गई थी 2014 में जी, तो मैं जितना मेरे में ताकत थी तो सरकारी मतलब अपना साइकिल पे घूमता दिन भर, जहाँ भी जाता वो कोई बोलता तेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई कह देता तेरा तो पेट बड़ा हो गया है, तो मेरी नौकरी लग रही। तो मैं घर से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में अरदास लगा, ये परमात्मा दास की नौकरी छूट गई, मालिक ये 2 बच्चे हैं, भगतमती है मेरी पत्नी, और मैं हम 4 आदमी क्या खाएंगे मालिक यहाँ दिल्ली में। तो परमात्मा ने कहा बेटा, उधर से मिला फिर शाम के टाइम में, तो परमात्मा का यही आदेश है कि कोई बात नहीं बेटा, परमात्मा दया करके तू घबरा क्यों रहा है, परमात्मा की मतलब चरण कमलों में है, तू चिंता मत करे किसी बात की। तो परमात्मा ने मेरे को फिर मतलब अगले दिन ही स्काई लार्क सिक्योरिटी के एक फील्ड अफसर थे अरमिंदर जी, उन्होंने फोन करके बुलाया कि भाई सखदेंद्र भगत मतलब तू कब तक बैठा रहा घर पर, नौकरी कर दे भाई, आ जा नौकरी नहीं करना का। तो फिर मैं स्काई लार्क में लग गया, और जब से मैं खुद छोड़ दी 3 नौकरी पर, दूसरी परमात्मा पहले ही तैयार रखते हैं कि बच्चा इसमें परेशान हो गया है, दूसरी तैयार रखते हैं मालिक कोई दिक्कत, इतनी दया परमात्मा कर रहे हैं कि मैं आज इतनी खुश हूँ कि क्या कह सकता हूँ, मेरे पे कोई शब्द नहीं उस खुशी को बा करने के लिए कि परमात्मा इतने काम करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संदेश तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं तो सभी को एक अरदास लगा सकता हूँ कि अगर अपना आत्म कल्याण और अपने परिवार में खुशी और सब कुछ देखना चाहते हो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमल में आओ और नाम दान की दीक्षा लो और अपना आत्म कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत से नंबर दिए गए हैं निम्न प्रकार के, किसी भी नंबर पर आप फोन करके बोल सकते हैं और अपने नजदीकी सेंटर नामदान सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। सत साहिब धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के।